बेबी वॉकर्स आपने, हमने या जिस घर में बेबी है सबने ये यूज किया होगा या फिर आपने देखा होगा लोगों को यूज करते हुए। तो क्या आपको पता है कि कनाडा और यूएसए ने बेबी वॉकर को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है? वो डिसीजन क्या लिया है? बेबी वॉकर का यूज हमें करना है या नहीं करना है, या बेबी वॉकर हमारे बच्चे के लिए कैसा है, ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नूर आलम खान, आपका अपना पीडियाट्रिशियन। दोस्तों मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल हेल्दी चाइल्ड पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, बेबी वॉकर का जो फायदा है वो बस एक है कि बच्चा उस पर बैठ के जल्दी मूव करने लगता है, जल्दी एक्सप्लोर करना सीखता है, और हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि हम कुछ और कर सकें, थोड़ा सा फ्री टाइम हमें मिल जाता है। और इसके नुकसान भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन जो वीडियो है वो इसी पर है। दोस्तों जो नुकसान है, सबसे पहला नुकसान तो ये है कि बेबी वॉकर आपके बच्चों को इंजरी करा सकता है। कैसे? जो उसके व्हील्स हैं उसे बच्चे का पैर आ सकता है, वो फंस सकता है, वॉकर पलट सकता है। कभी बच्चा सीढ़ी पर अगर आ गया, सीढ़ी के पास आ गया, या खुदा न खास्ता घर में स्विमिंग पूल है या फिर बाथ टब है, तो ऐसे में बच्चा पानी में डूब सकता है या सीढ़ियों से पलट के गिर सकता है। तो ये इंजरी बहुत सीरियस हो सकती है बच्चे के लिए, इसलिए ये चीज़ कनाडा और यूएसए में बैन किया गया है। दूसरा जो नुकसान है दोस्तों वो ये है कि बच्चे का डेवलपमेंट डिस्टर्ब होता है। कैसे? हर बच्चे का जो माइलस्टोन होता है डेवलपमेंट का, बच्चा पहले क्रॉल करता है, फिर क्रीप करता है, फिर बच्चा खड़ा होना सीखता है, उसके बाद बच्चा चलता है और भागता है। तो बहुत सारे बच्चों में स्टडी में देखा गया है कि जिन बच्चों ने वॉकर को यूज़ किया वो देर से खड़े होना सीखते हैं, क्रॉल नहीं आता, क्रीप नहीं आता। हालांकि उनको अगर हम खड़ा करते हैं तो वो चलने लगते हैं, बट वो खुद से खड़ा होना नहीं सीख पाते। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है डेवलपमेंट में। और तीसरा नुकसान ये है कि आपने 5 या 6 महीने के बच्चों को वॉकर पर खड़ा कर दिया, जो कि अभी उसके पैर इतने स्ट्रांग नहीं थे, बच्चे के कमज़ोर पैर थे, मुलायम पैर थे, नाजुक पैर थे, हड्डियां उसकी वीक थी, और उन हड्डियों पे आपने बच्चे को खड़ा कर दिया। अब क्या होगा? जाहिर सी बात है, जब बच्चा वेट बियर करेगा अपनी इन कमज़ोर हड्डियों पे, तो बोविंग, पैर का टेढ़ापन और पैर में डिफॉर्मिटी, इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है, जो कि बाद में करेक्ट हो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी करेक्ट होते। और इन्हीं सब नुकसान को देखते हुए कनाडा ने बेबी वॉकर को पूरी तरह बैन कर दिया है, यू नो बैन, बिल्कुल मार्केट से गायब हो चुका है। और यूएसए में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने पिटीशन डाली है, एप्लीकेशन डाली है यूएसए गवर्नमेंट को कि हमारे यहाँ पे वॉकर को बैन किया जाए। हम इंडियन थोड़ा पीछे पीछे चलते हैं, जब यूएसए और कनाडा में बैन हो जाएगा तो हम भी बैन करेंगे। लेकिन आप एज ए स्मार्ट पेरेंट अपने बच्चों को आज से इस चीज़ों से दूर रखें, वॉकर का यूज़ डिस्करेज करें, मत यूज़ करें। इसकी जगह आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, 2-4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा ताकि बच्चे के आपके डेवलपमेंट भी अच्छा हो। सबसे पहली चीज़, आप अपने बच्चों को सीसॉ टाइप का झूला या फिर एक जो लकड़ी की काटी काटी घोड़ा, जो एक गाना है उसमें आपने देखा होगा, जो हॉर्स आगे पीछे इस तरह से होता रहता है, उस पे इस तरह के टॉय जो एक जगह हो जिससे बच्चा मूव ना करे, उस तरह के टॉय बच्चे को ला के दें। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि प्लेग्राउंड टाइप की चीज़ बना दें, हालांकि रेडीमेड प्लेग्राउंड बहुत सारे बने हुए होते हैं जिसमें कि बाउंड्रीज होती है। आप कम बजट में बस पिलो को चारों तरफ लगा के बीच पे एक मैट बिछा के उस पर टॉय रख के भी एक प्लेग्राउंड बना सकते हैं। इसके अलावा आप खुद बच्चे के साथ खेल सकते हैं, बच्चे के साथ पीकेबू खेलें, बच्चे के साथ एक्टिवली प्ले करें, बच्चे के साथ दौड़ें, भागें, खेलें, उछलें कूदें, सब कुछ करें। इससे बच्चे की एक्टिविटी भी बहुत बढ़ती है, बच्चा खुश रहता है, आपको और बच्चे का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, बच्चे के जो बाकी डेवलपमेंट हैं, सोशल है, अडेप्टिव है, लैंग्वेज है, वो सब चीज़ें भी डेवलप होती हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि वॉकर बच्चों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, वॉकर का यूज़ ना करें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। बट अभी रुकिए, कुछ और इम्पोर्टेंट बात आपसे बतानी है। अगर आप ये चाहते हैं कि 15 से 60 सेकंड की छोटी छोटी वीडियो से भी हम अपनी नॉलेज बढ़ाएं, तो उसके लिए मैंने एक हेल्दी चाइल्ड शॉर्ट्स नाम का चैनल बनाया हुआ है दोस्तों, उसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। उसमें मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहता हूं, जिसमें कि बस विद इन 1 मिनट आपको जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मिल जाएगी। इसके अलावा आप रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक नीचे सब दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे। अपना प्यार हमारे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखिए और देखते रहिए हमारे चैनल हेल्दी चाइल्ड। थैंक यू।